गुड मॉर्निंग क्लास 8। आप लोग पहली एक्सरसाइज अभी तो आपने कल एरिया खत्म की थी, आज हमने आपसे कहा था कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो हम आपको ऑनलाइन करा सकते हैं, बाकी ऑफलाइन कराएंगे। तो 10 ही एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल आज वो हम पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना सुन लीजिए। आपको खबर मिल गई होगी पेपर के द्वारा, न्यूज़पेपर या टेलीविजन की न्यूजों में, क्योंकि आपका विद्यालय, आपका जो स्कूल है वो 10 तारीख को दिन बुधवार, 10 फरवरी दिन बुधवार को खुलेगा और उसी दिन से आपकी ऑनलाइन पढ़ाई बंद होकर ऑफलाइन पढ़ाई होगी 6th, 7th और 8th क्लास की। तो आपको 10 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में आपको यहां रहना है, तो यहीं पर पढ़ाई कराई जाएगी। पहले दिन आपको जो सब्जेक्ट हैं वो बता दिए जाएंगे, कौन कौन से आपको किस किस दिलाने हैं वो आपको पढ़ाई मेरी रखनी होगी, यहां पर ही ऑफलाइन में। इसी दौरान हम आपको फरवरी टेस्ट की शीट भी देंगे कि कौन से दिन कौन सा पेपर है, कितना उसका सिलेबस है, तो वो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ यहां पर फरवरी टेस्ट भी देंगे, मंथली टेस्ट जो होते थे पिछली तरह से, पिछले साल तो आपने दिए थे, उसी तरह से टेस्ट होंगे यहीं पर ऑफलाइन में। अब कौन सी तारीख है ये मैं यहां पर आपको कुछ नहीं बताऊंगा, जब आप यहां आने लगेंगे हम आपको बता देंगे। आपके आस पड़ोसी जो भी आपके मित्र हैं 8th क्लास के, उनको खबर कर दो कि आपके स्कूल 10 तारीख को 10 बजे आपको बैग लेकर आना है और उसमें यूनिफॉर्म पहन के भी आना होगा। यूनिफॉर्म आपकी ब्लू चेक वाली चलेगी, वो ही पहनकर आना, व्हाइट और येलो ना, पहले ब्लू चेक की यूनिफॉर्म पहन के आना है। आप अपना मास्क लगा के आएंगे, अपनी सैनिटाइज की शीशी लेकर आएंगे और पानी की बोतल भी अपने साथ ही लाएंगे, ये आप ध्यान रख लें। कुछ आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, उस निर्देशों का पालन करते हुए आपको अपनी पढ़ाई करना है यहां पर, तो हम आपको पढ़ाई कराएंगे। ऑनलाइन जैसे हो रही थी अब वो ना होकर ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं हम 10 तारीख से। तो 10 तारीख दिन बुधवार और टाइम भी 10 बजे का, 10 बजे का ध्यान रख लेना है, ये टाइम आपको सुटेबल भी है 10 से 1 के बीच में, यही आपके निर्देश है। और बैग लेकर आना है, पानी की बोतल लाना है, मास्क लाना है और सैनिटाइज किसी सी संग में लाना है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आज हम 10 एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसको हम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो साइड है, जैसे कि एक हम एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ये चीज बना ली हमने, ये चार दिशाएं हैं इसके अंदर और चार दिशाओं में पहला क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं कि एंगल दिए गए हैं और यहां पर एक्स, तो क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं क्योंकि चार ही साइड होती, फोर साइड होती है, फोर एंगल होते हैं। इन फोर एंगलों का वैल्यू 360 डिग्री होता है। 360 कैसे हुआ ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल बनते हैं। अगर हम एक साइड से दूसरी साइड को मिला देते हैं ये चीज, तो दो ट्रायंगल का निर्माण हो जाता है। तो वन ट्रायंगल की वैल्यू हमारे सीपीसीटी के दौरान में हम 180 डिग्री देखते हैं, तो दो ट्रायंगल में 360 हो गया। अब हमको करना क्या है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमें नामांकित करना पड़ेगा।
इन फिगर को हम कहीं भी ए बी सी डी डाल सकते हैं। हम इसी को ए लिख रहे हैं, लीजिए ए बी सी डी। अब आपके पास एंगल ए एक्स हो गया, बी 105 हो गया, सी 125 और डी 75 हो गया, तो हमें ए निकालना है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने ए बी सी डी लिखा है। टोटल लिख देते सम ऑफ फोर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और करना शुरू कर देते। ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 105, सी की वैल्यू 125 और डी की वैल्यू 75 इज इक्वल टू 360। अब उनको प्लस कर दीजिए 5, 10, 15, 9, 7, 9 और 1, 8, 10, 10, 1, 1, 1, 2, 1, 3। तो x 360 माइनस 305 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू हमारे पास आ गई 55 डिग्री। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में सेम है, आप कर सकते हैं, लेकिन तीसरे में भी आप कर सकते हैं, चौथा भी आप कर रहे हैं, लेकिन पांचवे में ई में एक कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है वो हम आपका दूर कर दे रहे हैं। ये चीज दिया है, हम इसको नामांकित कर लें ए बी सी डी। अब मैं इधर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं ले सकते हैं। अब इसका कैसे निकालें कि ये भी 70 डिग्री है, तो हम आपको देखो कहते हैं जो ये कोने पर इस तरह के सिंबल मिलेंगे, कोने पर ये सिंबल मिलेंगे, ये परपेंडिकुलर के साइन होते हैं। परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री का होता है, तो ये दोनों एंगल हमारे 90 के हो गए, ये 70 का हो गया। हम उसी तरह से पहले क्वेश्चन करें निकाल लेंगे 9, 9, 18, 25, 250 हो गया, 250 से माइनस कर देंगे तो 110 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूरे कर सकते हो। ऐसे ही एफ वाला है, एफ वाले में 1 दिया है लेकिन एक्स 2x है, तो कुछ बात नहीं है, एक्स प्लस 2x प्लस 90 प्लस 138 इनको जोड़ दीजिए तो 3x हो जाएंगे। फिर 3 का माइनस जब उधर करेंगे तो 3 का डिवाइड दे देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू से आप निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों क्वेश्चंस या यह एक्सरसाइज आप पूरी कर सकते हैं, नहीं तो हम फिर कल हम आपको कराएंगे। लेकिन मेरी बात इस चीज को सुन लीजिए अच्छी तरह से कि अब आपकी ऑनलाइन की पढ़ाई 9 तारीख तक तो चलेगी, 10 तारीख को आपको स्कूल में ही आना है ऑफलाइन पढ़ने के लिए। जैसे कि हर साल आप आते थे स्कूल, उसी तरह से आएंगे। फरवरी मासिक जो परीक्षा होगी वो भी यहीं पर होगी, और एग्जाम जो होंगे वो अप्रैल में होंगे, होली के बाद, वो भी यहीं पर ही होंगे। तो अभी आपके पास टाइम भी मिल गया है 1.5-2 महीने का, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। जो नहीं समझ में आया वो आप कर सकते हैं, आपका जो कोर्स रह गया वो भी पूरा हो जाएगा और करा दिया जाएगा। तो आपको यही पढ़ाई करने आनी है, तो अब ध्यान कर लें 10 तारीख को 10 बजे ब्लू यूनिफॉर्म में अपने साथियों से और खबर कर दो कि स्कूल खुल गया है 10 तारीख को, और नहीं तो आप संपर्क कर ले स्कूल से, आप बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो मैं तो कह ही रहा हूं, आप समझ रहे हैं।